हेलो स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे मैं रंजन और ये है AI प्लेलिस्ट की वीडियो ए आई फील्ड में जो भी टर्म्स टर्मिनोलॉजी जार्गन सुनने को मिलेंगे उसी के बारे में आज बात करेंगे अगर ए और मशीन लर्निंग सीखनी है तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखे और मैं एज्यूम करूंगा आपने मेरी पाइथन और स्टेट्स की सारी वीडियो देख ली लिया तो स्टार्ट करते हैं स्टेट्स में मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंस स्टेटिस्टिक्स के बारे में बताया था डिस्क्रिप्टिव में आते हमारे ये सारे मीन मीडियर मोड स्टैंडर्ड डाइशन वेरियस डी स्कोर क्वार्टल्स क्यूनस का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और हमारे इन्फ्रेंस स्टेटिस्टिक्स में आते हैं टेस्ट वेरियंस को रिलेशन प्रोडिक्शन मैं बात कर चुका हूँ स्टेट की वीडियो में और टाइप ऑफ लर्निंग हमारे पास जो टाइप ऑफ मशीन लर्निंग होती है इसकी भी मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैं आपको बताया हूं थो, थोड़ा सा बेसिक बताया था सुपरवाइज लर्निंग होती है जिसमें हमारे पास आउटपुट पहले से होता है मॉडल को हम ट्रेन करते हैं आउटपुट के बेस पे ताकि जब उसके पास नई डेटा आए तो वो उसका आउटपुट दे सके हिस्टोरिकल हिस्ट्र, डेटा हम यूज, यूज कर लेते हैं सुपरवाइज में और अनसुपरवाइज में होता है हमारे पास बिल्कुल भी आउटपुट नहीं देते हम तो यहां पे हम उससे मशीन लर्निंग से मॉडलों से हम यहाँ पे क्लस्टरिंग करवाते हैं कि इनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांटते बांटे हमारे सेगमेंटेशन के लिए यूज होता है रेनफोर्समेंट लर्निंग होती है हमारे पास इसमें आउटपुट नहीं होता और मॉडल को खुद डिसाइड करना होता है अपने एनवायरमेंट के आसपास के जो वेरिएबल्स होते हैं उसको देख के वो डिसाइड करता है कि मुझे क्या एक्शन लेना है तो यहाँ पे होता है अगर मॉडल ने कुछ अच्छा किया तो उसको रिवॉर्ड मिलता है मॉडल ने अगर कोई गलत प्रेडिक्ट किया तो उसको पेनल्टी मिलती है तो मॉडल अपने आप ही रिवार्ड्स की तरफ जाता है, तीन की होती है, में होता है कि हिस्टोरिकल डेटा क्या थी और प्रेडिक्टिव होता है कि आने वाले टाइम में क्या होगा और प्रिस्क्रिप्टिव होता है अगर हम जो अपने हिसाब से चाहते हैं जो हमें रिजल्ट चाहिए फ्यूचर में हो उसके लिए हम क्या करें और यहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन काफी सुनने को मिलेगा जो कि होता है ग्राफ किसी भी डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना क्यों नंबर होते हैं बहुत सारे उसके कंपैरिजन में अगर हमें ग्राफ में कुछ देखने को मिलेगा तो हम जल्दी समझ जाएंगे ये क्या है तो इसको इन भी कहते हैं विजुअलाइजेशन भी कहते हैं और इनसाइट यही होता है कि किसी भी रॉ डेटा से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना यूजफुल इंफॉर्मेशन जिसका हम कहीं यूज कर सके जो हमें जिससे हम अपनी स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सके कुछ नए एक्शन ले सके कोई नया डिसीजन ले सके अब यहाँ पे आपको बार बार सुनने को मिलेगा जब भी आप मशीन लर्निंग में काम करोगे मशीन लर्निंग के मॉडल बनाओगे तो वहां पे हमें सबसे पहले मिलती है डेटा जिसको हम कहते हैं रॉ डेटा या फिर हम उसको डेटा सेट भी बोलते हैं डेटा फ्रेम भी बोलते हैं और डेटा भी बोलते हैं तो ये चारों टर्म ए के यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना इन चारों में कोई डिफरेंस नहीं होता सब एक ही डेटा होती है और जब भी हमें स्टार्टिंग में डेटा मिलती है हमें स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड कुछ भी डेटा मिल सक, मिल जाती है हमें उसे एक परफेक्ट डेटा सेट बनाना होता है जिससे हम उस पर काम कर सकते हैं यहाँ पर मशीन लर्निंग में हमारे पास होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग जब भी हमारे पास डेटा मिलती है तो हमें उसमें डेटा प्री प्रोसेसिंग करनी होती है जिसको हम डेटा क्लीनिंग भी कहते हैं तो हम इसमें क्या क्या करते हैं तो हम इसमें सबसे पहले करते हैं आउटलेट और बता दो कि डेटा प्री प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हमारा सेवेंटी टाइम तक लग जाता है एक मॉडल को प्रिपेयर करने में तो सबसे पहले होता है हमारे पास आउटलायर्स तो आउटलायर्स मतलब ये होता है ऑर्ड्स वैल्यू मतलब जो बिल्कुल अलग है जैसे कोई भीड़ है भीड़ में हम सब एक एक ही फ्लो में एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं एक अलग बंदा है जो अलग डायरेक्शन में चल रहा है वो हमारे लिए आउटलायर हो गया अब मैं जैसे हाँ पे एक आपको एक ग्राफ दिखा देता हूं जो ऊपर जो ग्राफ है ये है न्यूमेरिकल डेटा का और जो नीचे है ये है कैटेगोरिकल डेटा का तो मतलब यहाँ पे ये क्लस्टरिंग टाइप यूज कर रखी है और यहाँ पे इन्होंने एक रिग्रेशन बना रखा है ये रिग्रेशन क्या होता है मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा बस आप इतना यहाँ समझ लो ये जो डेटा है ये हमारा जो ये आप सबने मैथ्स पढ़ा होगा मैथ्स में जो ये वाला एक्सिस होता है वो एक्स होता है और ये वाला वाई होता है अब मतलब अगर एक्स हमारा ट्वेंटी है तो वाई हमारा इतना है थाउजेंड

हमने पढ़ चुके हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैट में आता है स्कैटर प्लॉट इसी जो ये जो ये ग्राफ बना है ये स्कैटर प्लॉट है इसमें क्या कर लिया हमने जो सारे डेटा पॉइंट से स्कैटर कर लिया है मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ जैसे ये एज है मान लो ये जो एक्सिस पे एज है ट्वेंटी फोर्टी सिक्स एट्टी हंड्रेड एज हंड्रेड तो, तो ज्यादा जाएगी कुछ भी लगा लो जैसे कोई चीज है यहाँ पे एक अलग वेरिएबल और यहाँ पे अलग वेरिएबल है ये सैलरी लगा लो मान लो ट्वेंटी फोर सिक्सटी एटी नहीं होता ये एटी तक ही होता है क्योंकि हंड्रेड तक तो जाएगा नहीं जॉब करेगा नहीं तो यार एटी तक ही लगा लो तो यहाँ पे ये यह है कि मतलब ये सैलरी है जब इतनी एज होगी तो उसकी इतनी सैलरी होगी तो इस हिसाब से यहाँ पे यह आउटलाइन होगा तो ये हमने स्कैटर प्लॉट बनाया कि हमने डिफरेंट डिफरेंट डेटा पॉइंट यहाँ पे

आउटलायर को मीन मीडियम बोर्ड से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि मीन मीडियम बोर्ड यहाँ पे इसके मेडल में ही आएगा तो इसको रिप्लेस कर देंगे अब आउटलायर हमें हटाने की जरूरत होती है क्योंकि क्या होता है हमारे आधी से ज्यादा जो एल्गोरिथम होती है वो डिस्टेंस बेस्ड होती है जैसे सपोर्ट एक्टर और नियरेस्ट नेबर तो इसमें क्या होता है हमारा आउटलेट जब आ जाता है तो हमारा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है अगर हम यहाँ पे रिग्रेशन भी लेंगे तो हमारा रिग्रेशन वाली जो लाइन है यहाँ पे बनती है लेने रिग्रेशन वाली वो लाइन थोड़ी इसकी तरफ इंक्लाइंड हो जाएगी तो इसीलिए हमें आउटलेट को हटाना पड़ता है ये हमारे पास अब पहला हमने आउटलेट कर लिया दूसरा होता है हमारा मिसिंग वैल्यू मिसिंग वैल्यू क्या होता है हमारा कोई भी हमें डेटा सेट दिया है उसमें एक कोई भी एक कॉलम है उसकी वैल्यू मिस है कोई भी मैसेज किसी की एज नहीं है किसी की सैलरी नहीं है या कोई हम कोई बहुत बड़ा मॉडल कर रहे हैं उसमें हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन यूजफुल इंफॉर्मेश नहीं है तो क्या करते हैं हमें अगर मिसिंग वैल्यू हमारे पास होगी तो दिक्कत क्या होगी जब हमारे पास जीरो होगी मिसिंग वैल्यू नहीं होगी तो हमारी जो मॉडल का रिजल्ट आएगा जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो इतना रिलायबल नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ता है मिसिंग वैल्यूज को हटाना पड़ता है उसको ट्रीट करने की प्रोसेस को हम यहाँ पे कहते हैं इंप्यूटेशन अब इंप्यूटेशन करने के काफी सारे तरीके हैं जो थोड़े से मैंने यहाँ पे लिखे हैं तो पहले मैं बताऊंगा ड्रॉप द रो जिस रो में मिसिंग वैल्यू है उस रो को हटा दो अगर एक सिंगल रो है हटा दो कोई दिक्कत नहीं है बट उसमें अगर ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट से ज्यादा मिसिंग रोज है तो उसको हम नहीं हटा सकते तो हमें उसे ट्रीट करना पड़ता है अब यहाँ पे इंटरपोलेशन होता है इंटरपोलेशन मतलब होता है यहाँ पे कोई दूसरा मॉडल यूज कर लेंगे मॉडल क्या होता है मैं आगे बताऊंगा बस यहाँ पे एक समझ लो इंटरपोलेशन मतलब होता है कि हमें कोई अलगोरेदम यूज करनी है हमें कोई मॉडल यूज करना है और मीन मीडियम मोड मतलब अगर किसी भी एक रो में कोई डेटा मिसिंग है तो हम देखेंगे उस कॉलम में जो डेटा हमारा बहुत बार कॉमन आ रहा है अगर कैटेगोरिकल डेटा तो हम हाँ पे मोड यूज कर लेंगे अदरवाइज हम न्यूमेरिकल के लिए मीन मीडियन यूज़ करेंगे रैंडम डेटा रैंडम डेटा मतलब उसमें से जो भी हमारा उसमें बाकी सब ऑब्जर्वेशन के लिए जो डेटा है उसी में से एक डेटा हम इसमें डाल देंगे जहाँ पे हमारी मिसिंग वैल्यू है ह्यूरिस्टिक बेस्ड होता है कि मतलब हिस्ट्री बेस्ड की पहले क्या आ रहा है जो उसमें जो ट्रेंड चल रहा है वो हम यहाँ पे डाल देंगे यहाँ पर जो हम हमारी जो नॉलेज है उस बिजनेस डोमेन की जो नॉलेज है जिस भी हम डे जो भी हमारे पास डेटा है उसमें से जो भी हमारे पास नॉलेज आ रही है तो हम यहाँ पे ह्यूरिस्टिक बेस में कंसर्न उससे बिल्कुल रिलेटेड डाल देंगे यहाँ पे और यह आता है हमारा नियरेस्ट नेबर नियरेस्ट नेबर मतलब क्या होता है जब हम यहाँ पे ये यह प्लॉट करते हैं डेटा पॉइंट्स फिर जैसे मान लो ये एक यहाँ पे जो 40 के अप्रोसीमेटली अगर किसी की एज 40 है तो 40 की क्या सैलरी होगी तो हम यहाँ पे उसको नियरेस्ट नेबर में कंसिडर कर लेंगे मतलब जैसे हमारे यहाँ पे मिसिंग पॉइंट और यहाँ पे नहीं है तो हम इसके आसपास का जो पॉइंट्स होंगे उसी को कंसिडर कर लेंगे तो इसको हम कहते हैं नियरेस्ट नेबर अब तीसरा होता है हमारे पास फीचर सिलेक्शन फीचर सिलेक्शन और डायमेंशनल डेटा मैं आपको आने वाली अगली साइड में बताऊंगा अभी इसको रहने देते हैं अब हमारे पास होता है फोर्थ होता है इम्बेलेंस डेटा इम्बेलेंस डेटा हमारे पास जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी यस और नो के केस है यस स्पैम और नॉट है।, है हमारे पास हजार डेटा है हमारे पास हजार ऑब्जर्वेशन है ठीक है उस हजार ऑब्जर्वेशन में से हमारे पास 200 ही स्पैम है और 800 नहीं है तो हमारा रेशियो क्या हो गया 80 20 मतलब हमारे पास जो स्पैम है वो हमारे पास सिर्फ 20 है और जो स्पैम नहीं है वो हमारे पास सिर्फ 20 परसेंट डेटा है तो ये क्या हो गया क्लास इम्बेलेंसड है हमारे पास अगर हम उस पर मॉडल लगाएंगे ही तो मॉडल बायस हो जाएगा वो हर बार नॉट स्पैम ही बताएगा क्योंकि जब हमने मॉडल को ट्रेन किया है तो उसमें नॉट स्पैम ज्यादा डेटा थी तो इसीलिए इसी जब भी हमारे पास इम डेटा होगा उसमें हम ओवर सैंपलिंग और अंडर सैम्पलिंग दोनों टेक्निक यूज करेंगे ओवर सैम्पलिंग होता है कि जो हमारे पास कम सैंपल है जो हमारे पास माइनॉरिटी में तो है जैसे हमारे पास ये स्पैम का है स्पैम हमारे पास माइनॉरिटी में तो स्पैम हमारे पास कम है तो हम स्पैम को सैंपल थोड़े बढ़ा देंगे और अंडर सैंपलिंग क्या होगा जो हमारे पास नॉट सैंपल है उसको हम थोड़े सैंपल कम कर देंगे या तो हम दोनों दो टू हंड्रेड टू हंड्रेड ले आएंगे या दोनों हम एट हंड्रेड एट हंड्रेड ले आएंगे इसमें काफी सारी टेक्निक्स यूज होती है काफी सारी एलोगेदम यूज होती है वो आने वाली वीडियोज में हम करेंगे और ये होता है टाइम सीरीज डेटा अगर हमारे पास कभी भी टाइम सीरीज डेटा टाइम सीरीज डेटा होती है जिसमें हमारे पास कोई ईयर हो जैसे इस ईयर क्या कोई भी इन्फ्लेशन कितनी होगी या वेदर कितना होगा या वर्ल्ड कप जीतेगा नहीं जीतेगा कोई क्रिकेट टीम है या स्टॉक का प्राइस किया जाएगा जहां पे भी हमारे पास कुछ टाइम के साथ लेना देना होता है ना उसको हम टाइम सीरीज डेटा कहते हैं तो टाइम सीरीज डेटा को भी प्रोसेस करने का कुछ अलग अलगोरिद्स होती है और फीचर इंजीनियरिंग फीचर इंजीनियरिंग होती है हमारे पास जितने भी फीचर्स है जितने भी हमारे पास कॉलम है मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा कॉलम्स क्या होते है, हैं कॉलम्स यहाँ पे हमारे पास अभी आप इतना समझ लो कि इनपुट वेरिएबल्स जो हमारे वेरिएबल्स हैं जो हम देंगे मॉडल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो हमारे इनपुट वेरियल है वो उनके साथ कुछ इंजीनियरिंग करनी उन फीचर्स को हटाना नए जोड़ने नहे उनको सेलेक्ट करना तो ये सारी फीचर इंजीनियरिंग होती है अब हमारे पास होता है इनपुट एंड आउटपुट मॉडल में इतना तो पता है कि इनपुट हम देंगे और आउटपुट हमें मिलेगा तो ये होता क्या है और इनको किन किन तरीकों से हम बोलते हैं कहीं हर जगह आपको इनपुट सुनने को नहीं मिलेगा तो आपको कहीं कहीं इनपुट वेरिएबल सुनने को मिलेगा और कहीं आपको फीचर्स मिलेगा फीचर्स मतलब उसके करेक्टर्स और कहीं आपको कॉलम्स मिलेगा जब भी आपको एक्सेल की डेटा मिलेगी या सी एस वी की डेटा मिलेगी तो उसमें जो आपके कॉलम्स होंगे ना वो आपके सारे इनपुट वेरिएबल्स होंगे मतलब वहां पे कॉलम की जैसे हेडर होगा जैसे मान लो एक एज का कॉलम है तो वो जो सारे एज के कॉलम है वो एज एक हमारा इनपुट हो गया दूसरा हमारा सैलरी का है दूसरा हमारा फैमिली का है या रिलेशनशिप स्टेटस है तो ये सारे जो हमारे हो गए ये कॉलम्स हो गए इसको हम डायमेंशन भी कहते हैं जो जितनी डायमेंशन होगी अगर हमारे पास दस कॉलम है हमारे पास दस इनपुट वेरिएबल है तो हमारा टेन डायमेंशन हो गया इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये तो हमारा इंडिपेंडेंट है इससे ये तो किसी पे डिपेंड नहीं करता जो हमारे इनपुट होते हैं वो तो किसी पे डिपेंड नहीं करते ना और इसको हम से डिनोट करते हैं जब भी हम मॉडल में इसको यूज करेंगे तो हम से डिनोट करेंगे और ये मल्टीपल भी हो सकते हैं एक भी हो सकते हैं रियल लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी आपको एक इनपुट वेरिएबल नहीं मिलेगा हाँ हम हाँ, जब डेमो क्लास कर रहे होंगे हम हाँ, जब इसको पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आप देख, देखेंगे देखने को मिलेगा कि आपको एक ही वेरिएबल पे काम कर रहे हो बट जो रियल लाइफ में होगा हमें आपको मल्टीपल वेरिएबल्स ही मिलेंगे और दूसरा होता है आउटपुट वेरिएबल्स इसको हम आउटकम भी कहते हैं रिजल्ट भी कहते हैं टारगेट भी कहते हैं और वाई से डिनोट करेंगे हमेशा और ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं क्यों डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि ये इस इंडिपेंडेंट पे डिपेंड होते क्योंकि इन्हीं पर हम एल्गोरिथम लगा के हम आउटपुट वेरिएबल्स निकालते हैं इसको वाई प्रोडिक्टेड भी कहते हैं जो हमने वाई निकाला है क्योंकि ये वाला वाई एक्चुअल भी हो सकता है सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास जो कई बार जो हमारे पास जो डेटा होती है उसका जो रिजल्ट होता है वो हमारे पास होता है सुपरवाइज लर्निंग में क्योंकि इस पर हम ट्रेन करते हैं बट दूसरा फिर हम वाई प्रोडिक्टेड भी निकालते हैं जो हमारा वाई मॉडल निकाल के देता तो उसको हम वाई प्रोडिक्टेड बोलते हैं और वाई हैट भी, भी बोलते हैं वाई के ऊपर एक हैट का सिंबल होता है और ये हमेशा सिंगल ही होता है क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट है वो तो सिंगल ही होगा मल्टीपल आउटपुट एक ऑब्जर्वेशन के लिए मल्टीपल आउटपुट तो निकालेंगे नहीं तो हमारे पास ये सिंगल होता है अब मैं आपको बताता हूँ फीचर सिलेक्शन क्या होता है जो हमारे पास डेटा प्री प्रोसेसिंग में था हमारे पास फीचर सिलेक्शन होता है कि हमारे पास अगर मान लो रियल लाइफ में हमारे पास बीस वेरिएबल भी हो सकते हैं तीस भी हो सकते हैं कई बार सौ भी होते हैं और जब उसमें हम कुछ लगाते हैं पी सी ए फीचर सिलेक्शन तो हमारे पास वन कर, वन हॉट एनकोडिंग लगाते हैं वन हॉट एनकोडिंग होती है न्यूमेरिकल से कैटेगोरिकल में सॉरी कैटेगोरी कैटेगोरिकल से नुमेरिकल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम कहते हैं वन हॉट एनकोडिंग कैटेगोरिकल से नुमेरिकल को कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम कहते हैं वन हॉट एनकोडिंग तो वन हॉट एनकोडिंग में हमारे पास कई बार वेरिएबल्स सौ और दो सौ तक पहुंच जाते हैं तो क्या करना होता है हमें उसमें सेलेक्ट करने होते हैं कि हम कितने फीचर्स आगे ले जाएं तो यहाँ पे एक ये जो गार्बेज इन गार्बेज आउट हमारी प्रोसेस है मतलब यही यह है कि अगर हम मॉडल में गारबेज डालेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो भी गार्बेज ही आएगा तो हमें यहाँ पे मॉडल में जो भी फीचर्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं जो भी हम कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होने चाहिए सिग्निफिकेंट होने चाहिए स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होने चाहिए तो इसके ये हमारे पास बेस्ट फीचर सेलेक्ट करने के लिए काफ़ी सारी एल्गोरिदम होती हैं तो पहली होती है पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और होती है बैकवर्ड एलिमिनेशन फॉरवर्ड फॉर्वर्ड एनेबलेशन लेसोरिग्रेशन और भी बहुत सारी होती है कि हमें कौन कौन से फीचर्स हम ले जा सकते हैं आगे तो इन इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अब आता है नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन ये दोनों टर्म्स ना कई बार आपको बहुत कन्फ्यूज़ करेंगे कि ये दोनों एक ही हैं बट ये दोनों नहीं है एक अब मैं आपको बता देता हूँ जो नॉर्मलाइजेशन है इसको हम स्केलिंग भी कहते हैं अब नॉर्मलाइजेशन हमारा क्यों यूज़ होता है क्योंकि क्या होता है कई बार हमारे पास जो दो इनपुट वेरिएबल्स हैं उनका स्केल अलग है अब स्केल अलग कैसे है मान लो एक किसी एक दो एक डेटा सेट है उसमें एक चीज का वेट सारा किलोग्राम में दिया हुआ है और दूसरी चीज़ का वेट ग्राम में दिया हुआ है अब हम दोनों को एक ही स्केल में लेके आएंगे एक एग्जाम्पल तो ये है दूसरा एग्जाम्पल होता है मान लो हमारे पास एज है और सैलरी है अब हमारे पास एज जो होगी वो होगी बीस तीस चालीस पचास साठ हमारे पास जो सैलरी होगी वो दस हजार एक लाख दो लाख मतलब कितने में भी जा सकती है तो आप एक स्केल देखोगे ना दोनों का स्केल एक नहीं है एक और ट्वेंटी थर्टी फोर्टी में आ रहा है और एक थाउजेंड लैक में आ रहा है तो क्या करते हैं हम उन सारी वैल्यूज को एज भी और सैलरी भी दोनों को एक स्केल पे ले आते हैं यहाँ पे ये मत सोचना कि अगर जो सैलरी है जो हमारी दस लाख है दस लाख है एक लाख है उसको हम एज वाले स्केल पर लेंगे वो तो सैलरी कम दिखेगी बट नहीं जब भी हम मॉडल में यूज़ करेंगे जो मॉडल उसी को वही यूज़ करेगा क्योंकि हम यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में जो हम स्केलिंग करते हैं उसमें हम उसको जो डिफरेंस है उसको डिस्टॉर्ट नहीं करते हैं जो उनमें डिफरेंस है ना उसको हम डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में हमारी जो सारी वैल्यूज है जीरो टू वन के बीच में आ जाती हैं और ये काफ़ी सारी अलगोरदम में हमें बहुत जरूरी होता है जो भी डिस्टेंस बेस्ड अलगोदम्स होती है ना जहाँ पे हमारा डिस्टेंस मैटर करता है आपने देखा होगा जो क्लास में स्कूल टाइम में एक्स और वाई दो हमारे पास एक ही ग्राफ में दो डेटा पॉइंट होते थे उन दोनों डेटा पॉइंट में हम बीच का डिफरेंस निकालते थे हमारे पास एक एक्स एक वाई होता था दूसरा भी एक्स वाई होता था तो हम एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई टू करते थे तो हमारे पास उन चीजों में यहाँ पे हमें डिस्टेंस हमारा बहुत इंपैक्ट होगा तो उस चीज के लिए हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो ये आने वाले टाइम में जो अलगोरिदम्स होगी जो डिस्टेंस बेस्ड अल्कोरिदम्स होती हैं उसमें हम बात करेंगे और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी करके देखेंगे तो बस इतना याद रखना है कि आपको यहाँ पे जो वैल्यूज होती है ना वो सारी जीरो टू वन के बीच में हो जाती है और जब जरूरत होता है जब हमारे पास जो वैल्यूज हैं अलग अलग स्केल पे है एक टेन ट्वेंटी थर्टी में हंड्रेड में और दूसरी फिर वन लाख टू लैख इस तरीके से तो वो सारा हमें एक ही स्केल पे लेके आना पड़ता है और दूसरा होता है यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन हमने करा है मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना तो क्या होता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में मीन और स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइजेशन हमारा कुछ भी हो सकता है बट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हमेशा हमारा मेन जीरो होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन वन होगा तो इसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल और ऊपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो और इसमें नॉर्मलाइजेशन हम जब यूज करते हैं जब हमारे पता है कि हमारा जो डेटा है वो क्वेश्चन कर फॉलो नहीं कर रही है जो गौशन कर्व होता है बेल कर्व होता है तब हम नॉर्मलाइजेशन यूज करेंगे अदरवाइज हम स्टैंडर्डाइजेशन यूज कर सकते हैं जब भी हमारा जो डेटा है वो एक गौशन कर्व फॉलो कर रहा है मतलब वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन रहा है तो उसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना देंगे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन बट जब भी हमारे पास जो डेटा है वो हमारा फॉलो नहीं कर रहा है गौशन कर्व तो हम उसमें नॉर्मलाइजेशन ही यूज करेंगे अब यहाँ पे आता है हमारे पास लीनियर रिलेशन और नॉन लीनियर रिलेशनशिप हमारे पास जो मशीन लर्निंग की जो सबसे पहली एल्गोरिथम होती है उसका नाम ही होता है लीनियर रिग्रेशन तो लीनियर रिग्रेशन का पहला एजम्पन होता है कि वो लीनियर रिलेशनशिप डेटा होना चाहिए अब लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है अब यहाँ पे जो मैंने बनाया मेरा हो गया इंडिपेंडेंट और वाई हो गया मेरा डिपेंडेंट मतलब वाई हो गया हमारा रिजल्ट लीनियर से नाम से ही पता चलता है लाइन तो मतलब एक्स और वाई के बीच में एक लाइन वाला रिलेशन होना चाहिए मतलब एक ही लाइन में होना चाहिए व्यू पॉइंट से ये है हमारे डेटा पॉइंट तो हम इस डेटा पॉइंट के बीच में एक से पास में मतलब सबसे मिनिमम डिस्टेंस हो इस पीछ को ही हम लिनियर रिलेशन कहते हैं देखेंगे अभी ये समझना है कि हमें लीनर रिलेशन और नॉन लिनियर रिलेशनशिप क्या होता है अब आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा जो सारी डेटा है वो एक लाइन में है इसमें एक डेटा जो हमारी सारी लाइन में है और यहाँ पे भी आप लीनियर में देखोगे हमारी एक लाइन से कवर हो रही है जो डेटा पॉइंट है ये भी इसके इक्वल है ये भी इसके इक्वल है बट जो नॉन लीनियर होता है उसमें लाइन नहीं होती कर्व होता है अब मैं अगर इसमें लाइन बनाता तो लाइन मेरी नहीं होती क्योंकि यहाँ पे ये कर्व वाली फॉर्म आ रही है ये कर वाली फॉर्म आ रही है तो ये नॉन रिलेशनशिप होता है ये लाइन कैसी भी हो सकती है जरूरी नहीं है इसी में ये ऊपर भी जा सकती है ऐसे भी जा सकती है बट एक लाइन होनी चाहिए तो ये होती है लीनियर रिलेशनशिप एंड नॉन लीनियर रिलेशनशिप तो काफी सारे जो हमारे मॉडल्स हैं मशीन लर्निंग में एलगोरिदम्स है जैसे सपोर्ट फैक्टर है और लीनियर रिलेशनशिप है ये जो लीनियर रिग्रेशन है ये हमारे सारे इनके लिए पहला एग्जन यही होता है कि लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए डेटा का और बात अब होती है मॉडल्स की मॉडल्स क्या होता है मशीन लर्निंग में हम भी जमाना जो आउटपुट जो मेन गोल होता है वो होता है मॉडल बनाना मॉडल ऐसा होता है एक प्रोग्राम होता है एक सॉफ्ट जिसको हम बनाते हैं एक कोड होता है जिसमें हम इनपुट डालें नया इनपुट दें क्योंकि जिस इनपुट से ट्रेन हुआ है वो तो अलग है उसके बाद उस, उसमें नया इनपुट दें और हमें वो आउटपुट बता दें तो ये मॉडल्स एक मॉडल्स के अंदर यूज होती है एलगोरिजम अब जो मैंने यहाँ पे बनाया मॉडल्स इक्वल टू एलगोरिजम मतलब एलगोरिजम मतलब हमारा एक फॉर्मूला अब पैरामेट्रिक मॉडल्स हमारे होते हैं लीनर रिग्रेशन जैसे मैंने आपको बताया कि लीनर रिग्रेशन यूज करते हुए हमारी डेटा में लीनर रिलेशनशिप होना ही चाहिए और नॉन पैरामेट्रिक मॉडल्स डिसीजन ट्री बेस्ड सारे होते हैं डिसीजन ट्री बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो में आएगा बस अभी आप ये समझ लो कुछ मॉडल्स हमारे पैरामेट्रिक होते हैं जिसमें जो हमारे डेटा है वो हम एजमशन हमें उन्हें चाहिए होते हैं कि हमारी डेटा ऐसी ऐसी तो होनी चाहिए तभी हम पैरामेट्रिक यूज़ करेंगे जब हमारे पास नहीं पता होता हमारे डेटा के बारे में तब हम नॉन पैरामेट्रिक मॉडल यूज़ कर सकते हैं हमारे पास रिग्रेशन होता है रिग्रेशन मतलब होता है कि हमारी एक हमें एक वैल्यू प्रोडिक्ट करनी है जो वैल्यू प्रोडिक्ट करेंगे वो नूमेरिकल होगी तो हमारा ये मॉडल हो जाएगा रिग्रेशन रिग्रेशन एक कैटेगरी है जिसमें हम वैल्यू प्रोडिक्ट करते हैं और उसमें एल्गोरिथम हमारे जो मेनली यूज करते हैं जो बेसिक एल्गोरिथम यूज करते हैं वो है रिग्रेशन रिग्रेशन रैंडम फॉरेस्ट सपोर्ट और बूस्टिंग बूस्टिंग सबसे एडवांस एल्गोरिथम है जो अभी तक की बहुत ज्यादा यूज करते हैं लोग और क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन मतलब होता है कि एक कैटेगरी प्रडिक्ट करनी जैसे हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोडिक्ट करते थे यहाँ पे हम एक कैटेगरी प्रिडिक्ट करेंगे जैसे कि येस और नो स्पैम और नॉट स्पैम इस तरीके के और इनको हम क्लासीफिकेशन कैटेगरीज भी कहते हैं कि मतलब हमें कैटेगरीज को क्लासिफाई करना है यहाँ पे एल्गोरिथम जो हमारी यूज होती है लॉजिस्टिक रिग्रेशन रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर और सपोर्ट फैक्टर क्लासिफायर अब यहाँ पे सपोर्ट फैक्टर रिग्रेशन के लिए भी यूज होती है और क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज होती है ऐसी रैंडम फॉरेस्ट हमारी रिग्रेशन के लिए भी यूज होती है और क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज होती है और क्लासिफिकेशन में हमारे पास एक और आता है के एन एन के नियरेस्ट नेबर और क्लस्टरिंग होती है कि हमें हमारे अनसुपरवाइज का पार्ट होता है क्लस्टरिंग में होता है कि डिफरेंट डिफरेंट आपने क्लस्टर बना दिए तो क्लस्टर बनाने के लिए हमारे पास अलगोरदम यूज होती है के के प्लस प्लस पे प्लस प्लस आना था और डीबी स्कैन और हेरारिकल क्लस्टरिंग सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो अगली वीडियो में हम यही टर्मोलॉजीज कंटिन्यू करेंगे अभी तक किसी भी क्वेश्चन हो डाउट्स हो कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करो लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल अगर नहीं किया तो बेल आइकन दबा दो डायरेक्ट नोटिफिकेशन के लिए सी यू ऑल द नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय एंजॉय